नमस्कार, स्वागत है आपका टैलेंट फॉर इंडिया की इस खास पेशकश में। और आज हमारे साथ हैं एक ऐसे मेहमान जो हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि उनके सबसे बड़े प्रशंसक। कौन हैं? आइए सीधे मुलाकात करते हैं और आपको मिलवाते हैं कि आखिर कौन है जो प्रधानमंत्री मोदी नहीं है लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। और अब आप सभी टैलेंटेड इंडिया के दर्शक जान गए होंगे कि हमारे साथ इस वक्त कौन मौजूद हैं। और थोड़ी देर के लिए मैं भी पशोपेश में हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहूँ आपको या श्याम रंगीला कहूँ, आखिर किस नाम से पुकारूँ आपको? देखिए, मेरे को श्याम रंगीला ही कही क्योंकि नरेंद्र मोदी नाम से ऑलरेडी है और उन्होंने एक नहीं बहुत इतना कर रखा है कि दूसरा ना हो। जरूरत ना है, चलिए जरूरत नहीं पड़ेगी मेरी। हाँ, आज कोशिश करते हैं कि हास्य कलाकार श्याम रंगीला की ज़िंदगी के जो तमाम सारे रंग हैं, तमाम सारे पहलू हैं और उनकी कॉमेडी के एक भाग से अलग उनकी ज़िंदगी में क्या क्या है, ये सारी बातें हम जान सकें और आप तक पहुंचा सकें। श्याम जी, सबसे पहले बस यही जानना चाहेंगे कि किस तरह से हास्य की इस दुनिया में कदम रखा और कैसे इस पूरे एक जो आपने नई शुरुआत की है हास्य की दुनिया में, इसकी शुरुआत हुई? कदम रखने की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, कदम तो देखिए तब मैंने रखा जब 26 जनवरी 15 अगस्त का दिन था, 2005-06 की बातें हैं। और उस टाइम मतलब गांव में छोटा सा कार्यक्रम होता है, राजस्थान में मेरे गांव में छोटा सा, गंगानगर ज़िले में, श्री गंगानगर ज़िला है और उसमें रायसिंहनगर तहसील है और उसमें हमारा गाँव है। तो वहाँ पर 15 अगस्त 26 जनवरी को कार्यक्रम होता है और इनाम के तौर पर कच्ची पेंसिल मिलती थी, तो उसी को लेने के चक्कर में चुटकुले बोलने चालू किए थे और बस वही कदम रखना था और उसके बाद इंटरेस्ट आता गया और चलते करते चलते। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो करैक्टर है, जो उनकी आवाज़ है, जो उनका अंदाज है, हाथ उठाकर बोलने वाली शैली है, ये कैसे ऐसा लगा कि इस पर काम करना चाहिए, ये मैं कर सकता हूँ, मेरी आवाज़ इससे मिलती है, इसका इल्म कहाँ से हुआ, इसकी जानकारी कैसे लगी? ये तो सर 2013 के अंदर मोदी जी की इतनी रैलियाँ हो रही थी ना जी, मतलब आप फेसबुक पे देखोगे तो मोदी जी, आप यूट्यूब पे देखो मोदी जी, आप टीवी चलाओ मोदी जी, आप रेडियो चलाओ उसमें मोदी जी, आप अखबार पढ़ोगे ना तो भी मोदी जी की जो बयान लिखे हुए वो यूँ लग रहा है मोदी जी बोल रहे हैं। तो वहीं से फिर यूँ लगा कि यार हर जगह मोदी जी है तो एक बार मोदी जी की ट्राई करते हैं, और ट्राई किया तो मोदी जी का परफेक्ट हो गया, वो हाथ उठा दिए उस समय। अच्छा, जब से श्याम रंगीला का नाम हास्य व्यंग की दुनिया में आया है, देश और दुनिया के तमाम सारे चाहने वालों ने आपको सुना है, कहाँ कहाँ जाने का मौका मिला और कोई ऐसी चीज़ याद है जहाँ लोगों ने बड़ा आत्मीय स्वागत किया हो, बड़े अजीब तरीके से कार्यक्रम में उत्साह के साथ सुना हो श्याम रंगीला? हाँ, कई जगह मतलब आउट ऑफ इंडिया तो सिंगापुर जाने का मौका मिला सबसे पहले मुझे, उसके बाद में मैं गया दुबई, बहरीन, हांगकॉन्ग और एक जगह मैं और गया थाईलैंड, तो 5 देशों की मैं यात्रा कर चुका हूँ मोदी जी की वजह से। मोदी जी तो खैर बहुत सारे देशों में कर चुके हैं, तो वहाँ पे मैं गया। और आप और क्या बोल रहे थे? और लोगों का रिस्पांस क्या रहता है? हाँ, इंडिया में तो लोग काफी, हाँ इंडिया में तो चाहते हैं वो, तो इंडिया में खैर ये है कि लोग बहुत ज़्यादा मतलब सुनते हैं, यूट्यूब पे भी देख लेते हैं, और बाहर वाले क्या है कि लाफ्टर चैलेंज का वीडियो सुनते हैं, बाकी उनको यूट्यूब पे ज़्यादा देखा नहीं उन्होंने, तो वो एक वीडियो से ही सुनना चाहते हैं, तो वहाँ पे फिर और ज़्यादा मज़ा आता है उनको जब मैं बातें बताता हूँ कि भाई मैं कहाँ से स्टार्ट किया मैंने और कहाँ मैं पहुँचा, तो बीच का जो रास्ता है वो उसमें बड़ी अजीब अजीब घटनाएं हुई, तो जब उनको बताता हूँ तो वो उनको और भी मज़ा आता है। और उन्होंने सीरियस मोदी जी को देखा है हमेशा, लेकिन जब मैं उनके सामने कॉमेडी वाला मोदी जी लेके जाता हूँ तो फिर अलग तरीके से, तो मजा खैर आता ही है। अच्छा, आपकी खास बात है कि ये भी देखने को मिलेगी, मोदी जी तो ठीक है आपने उतारे ही अपने अंदर, उनके ध्रुव विरोधी राहुल गांधी को भी आप ले आए, तो कहीं ना कहीं ये कैसे हुआ और क्या ये बैलेंस करने के लिए था या राहुल गांधी का एक स्टाइल जो है वो अट्रैक्ट करता है आम लोगों को, तो वो भी बड़ा आसान रहा कैच करना आपके लिए? राहुल गांधी जी को लाना जरूरी इसलिए था कि क्योंकि अब संता कह रहा है तो बनता जवाब देगा, अब संता नहीं होगा तो फिर बनता क्या, मतलब मोदी जी अकेले क्या बोलेंगे जब जब तक शहजादे जी आरोप नहीं लगाएंगे तो मोदी जी क्या जवाब देंगे, तो इसलिए फिर मैंने राहुल गांधी जी को लाना स्टार्ट किया, मैंने कहा उनको लेके आते हैं ज़रूरी है उनका आना। और ज़्यादा वैसे कॉमेडी राहुल गांधी जी की करता नहीं हूँ क्योंकि वो खुद ऑलरेडी कर लेते हैं अपनी, तो
खैर वो उनकी आवाज लाना जरूरी था, कॉमेडी तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो होती हो ही जाती। अच्छा, इसमें एक सबसे बड़ी चीज ये रही कि जहाँ देश में एक तरफ राजनीति में रोज हम हास्य देखते हैं संसद भवन के अंदर, बाहर तमाम सारे बयानों में, वहाँ हास्य में भी राजनीति काफी हद तक आ चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम देश में आज कुछ बोलने जाते हैं तो बुरा बहुत जल्दी लगता है लोगों को, छोटी छोटी बात का लोग बुरा मान जाते हैं और बात हाथापाई तक आ जाती है, बातें बंद हो जाती है। शो के दौरान कभी कुछ ऐसा हुआ कि लोगों ने रोका होगा, नहीं साहब ये नहीं चलेगा, या पर्टिकुलर किसी भी दल के व्यक्ति हो, कांग्रेस हो, बीजेपी, कभी ऐसी स्थिति बनी? कभी नहीं बनी सर, कभी नहीं बनी, कभी लोगों ने नहीं रोका। हाँ, लोग कहते जरूर हैं, कहते कई बार, एक दो बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि लोगों ने खुद आकर के कहा यूँ कि यार आप है ना मोदी जी का पक्ष लेते हो, आप राहुल गांधी जी की ज़्यादा मजाक उड़ाते हो। अच्छा, और राहुल गांधी जी की बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हो, आप ये मत किया करो। मैंने कहा सर देखो ऐसा है, मैं नहीं उड़ाता हूँ, वो खुद अपनी उड़ाते हैं, और मैं मेरे वीडियो चल थोड़ा मैं उनके खुद के 10 वीडियो आपको दे दूंगा। बोले नहीं, हम वो तो मानते हैं, आप तो कम से कम मत उड़ाओ। तो कई बार ऐसा होता है कि वो ठीक है, वो कहते हैं कि भाई यार प्लीज़ अब बहुत हो गया, मतलब खुद ही वो इतना कर रहे हैं, आप क्यों उनकी कर रहे हो, तो यूँ कई बार हो जाता है। बाकी यूँ कभी नहीं बोला किसी ने कि भाई आप मोदी जी के बारे में क्या बोल रहे हो ये वो। हाँ, कमेंट जरूर आते हैं, कमेंट आते हैं, और कमेंट इसलिए आते हैं क्योंकि लोगों के पास इंटरनेट है आज, और उन्होंने 600 रुपये लगा के ख़रीदा है, 3 महीने के लिए ख़रीदा है, तो जब तक वो गाली या कुछ चीज़ें ऐसी नहीं लिखेंगे जिससे उनके 300-600 रुपये का हक आए, तो फिर मजा कैसे आएगा उनको। धमकियां भी आती है कमेंट्स के अंदर, टुकड़े टुकड़े कर देंगे, खत्म कर देंगे, आ मत जाना शहर में, दिख मत जाना। नहीं, ऐसा तो नहीं, लेकिन हाँ आती है, मतलब ऐसा तो नहीं कि मैं तुम्हें मार ही दूंगा, ऐसी तो चीजें नहीं है। लोग कहते हैं कि ये क्या है, बकवास कर रहा है, बिका हुआ है। प्रेम है लोगों का अपने। हाँ, प्रेम तो बहुत है, और प्रेम दोनों तरफ से है, मतलब ये वाला भी प्रेम है, वो वाला भी है। लेकिन क्या है कि ये दुनिया अलग अलग है, डिजिटल दुनिया अलग है और रियलिटी अलग है। मैंने बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसे थे कि कमेंट गलत लिख रहे हैं और मेरे विरोधी हैं, लेकिन जब जैसे ही मुझे लगा कभी मिलेंगे फेस टू फेस तो क्लियर करेंगे, और वो फेस टू फेस मिले तो उनके उनके चेहरे पे वो बात ही नहीं थी कि कभी उसने लिखा। फिर मैंने एक बार पूछा, कहते यार वो यार पता नहीं ऐसे लिख दिया जाता है। तो वो कई बार ऐसा होता है कि लोग भावनात्मक तरीके से बह जाते हैं, लिख देते हैं। तो हर बंदे के साथ वैसा ही होता है कि वो अपना इंटरनेट का यूज़ कर रहा है, कैसे भी कर रहा है, कमेंट लिख के कर रहा है, तो बुरा नहीं मानते हम, अच्छा लगता है, ठीक है लोग लिख रहे हैं, कुछ तो लिख रहे हैं, मतलब देख रहे हैं तो लिख रहे हैं। अच्छा, हास्य में आने से पहले जो श्याम हमीदा जी हैं उनकी ज़िंदगी क्या थी, कहाँ के रहने वाले हैं? लोग कई बार ये चीज़ भी बड़ी उत्सुकतावश जानना चाहते हैं कि श्याम रंगीला इस दुनिया से बाहर क्या है। कौन सी दुनिया से सर बाहर? मैं खैर दुनिया इसी दुनिया में हूँ, मैं कहीं बाहर नहीं हूँ, मतलब जो मैं हूँ वो, मतलब माता पिता क्या करते थे, वो सब लोग वैसे जानते हैं। वैसे मैं दोबारा बता देता हूँ, राजस्थान में मेरा श्रीगंगानगर जिला है छोटा सा, और उसमें छोटा सा हमारा तहसील है, रायसीनगर तहसील है, उसमें छोटा सा हमारा गाँव है मोखम वाला, और उसमें छोटा सा हमारा घर है, और छोटे से घर में छोटी सी फैमिली, और सबसे छोटा मैं हूँ फैमिली में, और पापा खेती करते हैं, किसान हैं, मतलब आप यूँ देखिए कि इस चीज़ का उन्हें कोई नॉलेज नहीं है, वो अपनी दुनिया में खुश हैं जैसे आपने कहा, और मैं अपनी दुनिया में खुश हूँ। बस वो दुनिया का फ़र्क थोड़ा ये है कि हमने कुछ इंटरनेट का यूज़ किया और वो लोगों ने पसंद किया। उस ज़माने में इंटरनेट नहीं होता था जब हमारे, हालांकि नहीं मेरे डैडी कलाकार होते, मतलब गांव में मैंने बहुत लोगों को देखा जो बहुत तगड़े तगड़े कलाकार हैं, लेकिन वो उस टाइम के कलाकार हैं जब उनको कुछ पता ही नहीं है, मतलब कहाँ जाएं क्या करें, कहीं ना कहीं कलाकारी आई तो वो उन चीज़ों को देखते देखते आई, तो फिर आज हमारे पास इस दुनिया का इंटरनेट, आधुनिक दुनिया है, तो लोगों ने प्यार दिया तो पहुँच गए बस। बिल्कुल, एक कलाकार की सबसे बड़ी पहचान तब है जब हम उनकी कला का पक्ष देखें, तमाम सारी चर्चाओं के बावजूद। मैं चाहूँगा डायरेक्ट इंडिया के दर्शक बड़े आतुर हैं और चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे कुछ कहें, तो क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मोदी जी तो यही कहेंगे, भाइयों बहनों, नया साल 2020 आप सबके लिए बहुत बहुत मंगलमय हो, आपके जिंदगी में 2020 का रोमांच इस साल अवश्य पैदा होगा, ये मेरा भरोसा है। और अब हम चाहेंगे कि विरोध जो करने वाले हैं, विपक्ष का जो पक्ष है, वो भी कम से कम हमारे दर्शकों तक पहुंचे। हाँ बिल्कुल, विपक्ष में भी तो ये आरोप लगते हैं, राहुल जी कह देते हैं देखिए भैया देखिए इन्होंने कहा था विकास होगा, लेकिन भैया विकास कहाँ है? हमें भैया जवाब का सवाल चाहिए। साहेजादे जी,
हमने कहा था विकास होगा जब हमारी सरकार बनी थी, तो 2014 था कि नहीं था, फिर 15 हुआ कि नहीं हुआ, और आज 2020 हुआ कि नहीं हुआ, ये विकास नहीं तो क्या है। चलिए, तो ये थे श्याम रंगीला जी, जिनसे बातें तो करने के लिए बहुत हैं, जानने के लिए बहुत कुछ है, और निश्चित रूप से कार्यक्रम की अपनी समय सीमा होती है। टैलेंटेड इंडिया के इस मंच पर आज हमसे मुखातिब हुए और हास्य की दुनिया में लगातार जिस तरह से ये अपना नाम कर रहे हैं, लगातार भारत का प्रतिनिधित्व विश्व के कई मंचों पर कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि इनके करियर में इसी तरह से नई ऊंचाइयों को छुए, देशवासियों का, विश्ववासियों का मनोरंजन इसी तरह से करते रहें और खुशियां बांटना, आपस में सब लोग एक साथ हंसते रहें, इस संकल्प लेकर जो तमाम सारे कलाकार काम करते हैं उस संकल्प में ये सफल भी होते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं श्याम जी, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।